हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर सर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वीट्स और ऑफ टाइप वॉलेंटर प्लांट्स और रोग इन में क्या डिफरेंस होता है ये सुनने में एक जैसे वर्ड्स लगते हैं और इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है जब एग्जामिनेशन में हमें इनकी डेफिनेशन लिखनी हो या कोई इसका एग्जाम्पल साइट करना हो या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनका एग्जाम्पल सेलेक्ट करना हो तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इन वर्ड्स में या जो ये हमारी टर्मोलॉजी है इनमें क्या डिफरेंस है तो देखिए जो सबसे पहला वर्ड मैंने यहाँ लिखा है वीड तो वीड आप सभी लोग जानते हैं वीड्स आर अनडिज़ायरेबल एंड अनवान्टेड प्लांट जिसकी ज़रूरत नहीं है जिसको हम चाहते नहीं हैं वो ऐसे प्लांट्स को या प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड ऐसा पौधा वहाँ उगरा हो जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है और एक डेफिनेशन और भी है कि वीड इज़ ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ प्लेस एंड टाइम अगर ऐसी जगह उगरा हो ऐसे टाइम पर उगरा हो जब उसकी ज़रूरत नहीं है और ऐसी जगह उगरा हो जहाँ भी उसकी ज़रूरत नहीं है वो जो है वीड्स हैं तो वीड्स की बहुत डेफिनेशन है और वीड्स के बारे में आप जानते भी हैं और बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वीड क्या है तो ऐसे प्लांट्स जो हार्मफुल हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्रॉप को हार्म कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर रहे हैं या किसी भी तरह से हार्म कर रहे हैं वो सारे क्या हैं वीड्स हैं तो अब मैंने टाइप ऑफ वीड्स एक, एक, एक पूरा लेक्चर जो है अपलोड कर रखा है आप उसमें देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के वीड्स कौन कौन से हैं तो वीट तो एक बहुत जनरल टर्म है जो आप आसानी से समझ सकते हैं बाकी जो ऑफ टाइप प्लांट वॉलेंटर एंड रोग ये थोड़े से अलग हैं तो जो ऑफ टाइप प्लांट्स होते हैं एक्चुअली में जो ये क्रॉप प्लांट्स ही होते हैं और उसी वैरायटी के होते हैं जो वैरायटी हमने बोई है मान लीजिए हमने वीट की कोई वैरायटी बोई तो उसमें जो प्लांट्स उगेंगे उसमें कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो वैरायटी से मैच नहीं कर रहे होंगे कुछ का तो छोटे हो गए होंगे या कुछ बड़े हो गए होंगे किसी किसी के लिए कुछ छोटी आ रही होगी किसी का कलर चेंज हो गया होगा किसी की ईयर छोटी हो गई होगी किसी की ईयर बड़ी हो गई होगी तो ये सभी क्रॉप्स में देखने को मिलता है चाहे मेज़ हो शुगर केन हो राइस हो सोर्गम हो जितने भी क्रॉप्स हैं उसमें जो हम वैरायटी बोते हैं वो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वैरायटी से मैच नहीं करते हैं तो उनको बोलते हैं हम ऑफ टाइप प्लांट्स तो जो ऑफ टाइप प्लांट हुए सेम वैरायटी के हुए तो ये क्रॉप में होते हैं इनका वीट से कोई मतलब नहीं होता है ये वीट्स नहीं होते हैं अब एक हमने कोई वैरायटी बोई और उसको हम ग्रो कर रहे हैं तो कुछ प्लांट अलग हो गए तो वो अलग क्यों हो गए उसके कई रीज़न हो सकते हैं कि उसमें कोई रिसेसिव जीन रहा हो जो इस जनरेशन में आकर के उसका एक्सप्रेशन हो गया हो कुछ म्यूटेशंस हुए हो या कुछ ऐसा हो सकता है जैसे हमने वीट बोया था और वीट वरायटी के साथ कुछ दूसरी वराइटी के सीड मिक्स uh, हो गए तो वो है तो वीट के प्लांट ही लेकिन उस वैरायटी से करेक्टर उनके अलग हो गए तो ऑफ टाइप में क्या होता है उन प्लांट के करेक्टर जो हमने वैरायटी बोई है उससे मैच नहीं करते हैं तो अगर हम वो क्रॉप सीड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन प्लांट्स को निकालना होता है क्यों क्योंकि जो ऑफ टाइप प्लांट्स का जीन है जीनो है जो करेक्टर्स हैं और जो वरायटी हम डेवलप करना चाहते हैं उससे डिफरेंट होगा तो ऑफ़ टाइप प्लांट्स को इसलिए अगर सीड प्रोडक्शन के लिए हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो अलग कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे करेक्टर हो सकते हैं जो उस वरायटी से मैच ना करें और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं तो उसमें जो जो दो मेजर रीज़न वो हैं किसी जीन का आ जाना एक्सप्रेस हो जाना या किसी दूसरी वैरायटी का सीड मिक्स हो जाना तो ये ऑफ टाइप आप प्लांट समझ गए होंगे ऑफ टाइप प्लांट्स बीड्स नहीं होते हैं जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसी के प्लांट्स होते हैं फिर होते हैं वॉलेंटर प्लांट्स देखिए वॉलेंटर का क्या मतलब होता है अपनी इच्छा से काम करने वाला वॉलेंटर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बहुत वॉलेंटर पीपल होते हैं जो किसी फंक्शन में काम करते हैं तो इसी तरह से वॉलेंटर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स ये भी क्रॉप प्लांट्स हैं जिसको हम बोते नहीं हैं लेकिन अपने आप उग जाते हैं जैसे कि हमने कोई मेज वीट सिस्टम है और मेज पहले हमने क्रॉप ली उसके बाद हमें वीट बोना है जब मेज के हम हार्वेस्टिंग करते हैं थ्रेशिंग करते हैं तो कुछ सीड जो है वहीं फील्ड में गिर जाते हैं और जब हम वीट की सोइंग करते हैं तो वो जो सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं तो अब वीट के फील्ड में क्या हुआ जो प्रीसीडिंग क्रॉप मेस थी उसके प्लांट्स आ गए तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं वॉलेंटर प्लांट्स तो ये जो वॉलेंटर प्लांट्स हैं प्रीसीडिंग क्रॉप मतलब जो प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो पहले बोई गई है और सक्सीडिंग क्रॉप वो होता है जो बाद में बोई गई है तो जब हम कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं सिस्टम में ही ग्रो होती है क्रॉप तो प्रीसीडिंग क्रॉप जो पहले क्रॉप के जो बीज गिर गए जैसे माना हमने मूंग पहले कोई क्रॉप ली थी तो उसके सीड की शटरिंग हो गई उसके सीड जर्मिनेट कर जाते हैं उड़द कर जाते हैं तो ये जो क्रॉप प्लांट्स हैं जो ग्रो कर जाते हैं नेक्स्ट क्रॉप में तो ये क्या होते हैं प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग क्रॉप के प्लांट्स होते हैं और जो ऑफ टाइप होते हैं तो सेम वैरायटी के होते हैं या सेम क्रॉप के होते हैं अंतर दोनों में यह है वॉलेंटर दूसरी क्रॉप के प्लांट होंगे ऑफ टाइप उसी क्रॉप के प्लांट्स होंगे तो ऑफ का मतलब क्या होता है अलग होना अलग हो जाना जैसे ऑफ कलर कहते हैं बहुत चीज़ों में ऑफ जो चीज़ डिफरेंट हो जाती है उससे ऑफ बोलते हैं तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं सेम जो अपनी वैरायटी से अलग हो जाते हैं तो वो तो होगा ऑफ वॉलेंटर क्या है अपनी इच्छा से हो गया है उसको बोया नहीं था फार्मर ने हमने बोया नहीं था उसे अपनी इच्छा से हो गया है अपनी इच्छा से कैसे हो गया है क्योंकि पहले क्रॉप में कि जब हार्वेस्टिंग की होगी या थ्रेशिंग की होगी तो उसके बीज वहाँ आ गए थे तो आप इसकी मीनिंग अगर वर्ड की समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ऑफ टाइप क्या होता है और वॉलेंटर क्या होता है तो ऑफ टाइप में क्या होगा उसी क्रॉप के प्लांट्स होंगे और वॉलेंटर में क्या होंगे प्रीसीडिंग क्रॉप के प्लांट्स होंगे अब नेक्स्ट जो टर्म है वह है रोग ये देखिए रोग क्या है ये अनडिजायरेबल प्लांट्स जितने भी फील्ड में है वो सारे क्या कहलाते हैं रोग कहलाते हैं तो रोग एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिन प्लांट्स को हम क्रॉप में नहीं चाहते हैं वो सारे क्या हैं रोग हैं अब हम जब किसी क्रॉप को सीड प्रोडक्शन के लिए ग्रो करते हैं चाहे मेज है राइस है वीट है हर क्रॉप का सीड प्रोडक्शन किया जाता है तो हम ऐसे प्लांट्स को ऐसी वैरायटी को हार्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल सेम करेक्टर के प्लांट्स हों अब कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिसको हम हार्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे तो कौन कौन से हम अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जिसको हम हटाना चाहते हैं क्रॉप को हम सीड बिल्कुल वही रखना चाहते हैं हंड्रेड सीड उसी वरायटी का रखना चाहते हैं कोई दूसरा सीड मिक्स ना हो किसी भी वैरायटी का ना हो किसी भी वीड का मिक्स ना हो कोई इन्फेक्टेड सीड भी मिक्स ना हो तभी उसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है वो हंड्रेड रहेगी फिजिकल प्योरिटी भी हंड्रेड रहेगी तो अब इसमें हमारे अनडिज़ायरेबल प्लांट कौन कौन से आ गए तो देखिए इसमें वीड्स आ गए क्योंकि जो वीड्स के सीड्स अगर मिल गए जैसे ऑब्जेक्शनेबल वीड्स के सीड मिल गए जैसे वीड के कह में कॉनवोलेब्लस आर्वेंसिस के सीड मिल गए ये ऑब्जेक्शनल वीड है क्योंकि फिर सेपरेट नहीं होगा वाइल्ड रोट का सीड मिल गया तो वो सेपरेट नहीं होगा इस तरह से राइस में इकाइनोक्लोआ के सीड अगर मिल गए वो ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि एक बार मिल जाते हैं फिर उस सीड से निकालना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है तो वीड्स के सीड्स खासतौर से ऑब्जेक्शनल और नॉक्सियस वीड्स के सीड्स अगर आ, मिल रहे हैं तो बहुत दिक्कत होती है तो रोग में कौन से प्लांट्स आते हैं नंबर एक तो वीड्स आ गए दूसरे नंबर टू पे ऑफ टाइप आ गए जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये तीसरे पर कौन से आ गए वॉलेंटर प्लांट्स आ गए और कौन से कौन से अनडिजायरेबल होंगे जो हम नहीं चाहते हैं उस वैरायटी में वो हो गए इन्फेक्टेड प्लांट्स हो गए तो इस तरह के जो भी प्लांट्स हैं हम उसको क्या करते थे हैं अलग कर देते हैं तो पहले इस तरह के प्लांट्स क्या कहलाएंगे रोग कहलाएंगे तो रोग एक बहुत बड़ा टर्म हुआ जिसमें सारे ही अनडिजायरेबल प्लांट्स आते हैं अब एक टर्म आपने सुनी होगी रोगिंग आर ओ जी यू आई एन जी ये जो रोगिंग है ये रोग से ही बना है तो जब हम रोग प्लांट्स को अलग करते हैं तो इस एक्ट को बोलते हैं रोगिंग जो जितने भी अनडिजाबल प्लांट्स हैं उनको अलग करना जो ये एक्ट है ये जो क्रिया हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं रोगिंग अब रोगिंग में हम कौन कौन से प्लांट्स निकालेंगे एक हमने माना सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट क्रॉप का तो हम कैसा चाहेंगे 100 परसेंट उसी जेनेटिक प्योरिटी का सीड चाहेंगे और उसके अंदर वीड्स हैं उसको अलग हटाएंगे उसके अंदर ऑफ टाइप है उसको भी हटाएंगे वॉलेंटर प्लांट्स हैं उसको भी हटाएंगे कोई डिसीज आ गई है रस्ट आ गया है या स्मट आ गया है उसको भी हटाएंगे तो सब ऐसे प्लांट्स को हम हटा देंगे ताकि जो हमारा सीड हार्वेस्ट हो रहा है वो हंड्रेड सेम हो क्योंकि उसको अगले नेक्स्ट जनरेशन में हमें सीड की तरह यूज करना है तो रोगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रोगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब भी हम किसी क्रॉप का सीड प्रोडक्शन करते हैं उसमें रोगिंग जरूर की जाती है नहीं तो क्या होगा इन सबके सीड्स के हो जाएंगे उस वैरायटी में मिल जाएंगे और जब नेक्स्ट सीजन में वैरायटी ग्रो की जाएगी तो प्लांट्स के हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे तो रोगिंग इसलिए क्या करते हैं इन सब प्लांट्स को अलग कर देते हैं और जनरली रोगिंग कब की जाती है तीन बार रोगिंग की जाती है एक तो हम करते हैं वेजिटेटिव स्टेज पर कर देते हैं प्री फ्लावरिंग प्री फ्लावरिंग करते हैं और इस समय हम क्या करते हैं जो वीड्स हैं या जो ऑफ टाइप प्लांट्स हैं उसको हम अलग करते हैं ऑफ टाइप में क्या हो सकता है कुछ प्लांट्स बहुत लंबे हो गए हों कुछ प्लांट्स बहुत छोटे रह गए हों या किसी का स्टेम कलर अलग हो रहा हो या जो है लीफ की मॉर्फोलॉजी अलग हो गई हो तो एक इस टाइम पे करते हैं लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मिमिक्री करते हैं जैसे कि फेलिस माइनर है वो प्री फ्लावरिंग स्टेज पे उसको वीट से अलग करना बड़ा मुश्किल होता है इकान क्लोआ को भी वेजिटेटिव स्टेज पे राइस से डिफ्रेंशिएट करके अलग करना होता है तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं तब हमें अलग नज़र आते हैं जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो इसलिए दूसरी रोगिंग कब करनी चाहिए फ्लावरिंग के कर समय करनी चाहिए फ्लावरिंग uh, के समय जब उसमें फ्लावरिंग हो गई हो या जिसमें हम कह सकते हैं पोस्ट फ्लावरिंग uh, के समय ब्लूमिंग के समय करें ताकि जब फेलिस मैनर का जब इन्फ्लूसेंस होगा वीट के इन्फ्लूसेंस से अलग नजर आएगा हम उसको अलग कर सकते हैं इकैनोक्लो कोलेना का इन्फ्लूसेंस राइस के इन्फ्लूसेंस से अलग नज़र आएगा तब उसको अलग कर सकते हैं लेकिन पहले हम इसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है फिर क्या होता है कि कुछ डिसीजेज़ जो होती हैं सीड बॉन्ड डिसीज होती हैं या जो बाद की डिसीज होती हैं वो फ्लावरिंग के समय आती हैं फ्लावरिंग के बाद आती हैं तो एक रोगिंग हमें फिर पोस्ट फ्लावरिंग करनी चाहिए फ्लावरिंग के बाद करनी चाहिए हार्वेस्ट से पहले इस समय जो है हम सारे ऐसे प्लांट्स जो ऑफ टाइप हैं या वीड्स हैं उनको हटा देना चाहिए चाहे वो वीड्स की हाइट क्रॉप से ज़्यादा है छोटी है वो सारे हमको मैनुअली हटाने पड़ते हैं तो तीन बार हमें रोगिंग करनी पड़ती है तो अब आप समझ गए होंगे रोग क्या है रोगिंग क्या है और इसमें सबसे बड़ी टर्म क्या है रोग है जो सारे ही प्लांट्स को कवर करती है तो अब आपको समझ में आए होगा वीड्स आपको पता है सारे अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट हैं ऑफ टाइप प्लांट्स क्या हैं सेम वैरायटी सेम क्रॉप के हैं लेकिन अलग हो गए हैं किसी कारण से छोटे बड़े हो गए हैं या उनका स्पाइक अलग हो गई है एयर अलग हो गई है वॉलेंटियर क्या है अपने आप हो आए हैं क्योंकि प्रिसीडिंग क्रॉप के प्लांट्स हैं सीड उनका खेत में गिर गया था और वो जर्मिनेट कर गए और क्रॉप में हो गए रोग क्या है रोग जो है ये सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है तो जो रोगिंग जो हम करते हैं वो सीड प्रोडक्शन पॉइंट के लिए हम करते हैं ताकि जो सीड हम ग्रो कर रहे हैं अगले साल उसे हमें खेत में ले जाना है तो सेम वैरायटी के ही सारे करेक्टरिस्टिक आने चाहिए अदरवाइज जो है वैरायटी में मिक्सचर हो जाएगा और सब प्लांट्स अलग अलग हो जाएंगे तो सीड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रोग ये रोगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैंने बताया कि रोगिंग में हम कौन कौन से प्लांट्स को रिमूव करते हैं और कब कब हम रोगिंग करते हैं तो अब आप को कोई एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल होगा तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच